हाय बच्चों, आपको तो पता चल ही गया होगा कि नीट 2024 वालों को नेक्स्ट नाम का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मैम क्या ये एग्जामिनेशन नीट से डिफिकल्ट होगा या नहीं? तो मैं काम करती हूँ, इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि यार ये एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। इनफैक्ट कल सुबह भी मैं इस पर एक वीडियो लूंगी, शॉर्ट लूंगी और डिटेल में डिस्कशन करूंगी, पर आज अभी मैं आपको डिटेल देने वाली हूँ कि यार ये एग्जाम में क्या होने वाला है, और फिर आप अपने आप देखना कि एग्जाम टफ है या नहीं। सो ये जो एग्जाम है ये दो लेवल्स में होने वाला है। पहला ही एग्जामिनेशन की बात करूंगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, जिसको कहेंगे नेक्स्ट वन। ये जो नेक्स्ट वन का एग्जामिनेशन होने वाला है ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को देना है। तो फाइनल ईयर का जो प्रोफ है वो कैंसिल हो गया है और फाइनल ईयर के प्रोफ की जगह बच्चों को देना है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन के 6 पेपर होंगे। कहां नीट में आप एक पेपर देते हो, 6 पेपर 540 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, 6 पेपर। सो अब आप देखो, डिसाइड करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार ये टफ हो रहा है कि इजी। देयर आर 6 पेपर्स, उनके लिए सब्जेक्ट सुन लीजिए। तो आपके 6 मेन सब्जेक्ट्स है, मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज जो 120 मार्क्स का आएगा, सर्जरी एंड एलाइड साइंसेज जो 120 मार्क्स का आएगा, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी जो 120 नंबरों का आएगा, पीडियाट्रिक्स जो 60 मार्क्स का आएगा, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट वाला ईएनटी जो 60 मार्क्स का आएगा, और ऑप्थमोलॉजी जो 60 मार्क्स का होगा। आपका पेपर 5 दिन चलेगा। यस, यू हर्ड मी राइट, यू हैव टू गिव द पेपर 5 डेज कंटिन्यूअसली। आपने पेपर देना है 5 दिन। पहले दिन जो आप पेपर दोगे वो मेडिसिन का पेपर, लाइक मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज जो आप पढ़ रहे हो, तो मेडिसिन एंड पीडिया का पेपर होगा। 3 घंटे आपके मेडिसिन का पेपर चलेगा और 1.5 घंटा आपका पीडियाट्रिक्स का पेपर चलेगा। उसके बाद आपका 1 दिन का ब्रेक होगा। उसके बाद आपका सर्जरी एंड ईएनटी का पेपर होगा। सर्जरी का पेपर चलेगा 3 घंटे और ईएनटी का पेपर चलेगा 1.5 घंटा। फिर आपका 1 दिन का ब्रेक होगा। फिर आप दोगे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, राइट? तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी का पेपर चलेगा फिर से आपका 3 घंटा, और ऑप्थमोलॉजी वो माइनर साथ में अटैच होगा, वो चलेगा आपका 1.5 घंटा, राइट? तो ऐसे करते करते आप एक दिन एग्जाम दोगे, ब्रेक एग्जाम दोगे, ब्रेक एग्जाम दोगे, राइट? तो आपके 5 दिन चलेगा। रुको रुको, अब सोच रहे होगे सिर्फ फाइनल ईयर का सब्जेक्ट आ रहे हैं। नहीं नहीं, इसके बाद आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के भी जो क्वेश्चन होते हैं, जो फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी है, पैथोलॉजी है, इनमें से भी 10% क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपके तीनों दिन पेपर होंगे उनमें 10% क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस से भी आएंगे। और तो और, आपका जो कम्युनिटी मेडिसिन होता है जिसको प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहते हैं, उसमें से भी 10% क्वेश्चन आएंगे। तो और इस एग्जाम को आप मिस नहीं कर सकते, इस एग्जाम में आप लो स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि पीजी इस पे डिपेंड करती है। और इंटर्नशिप के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम होगा कि क्लिनिक्स में आप कैसे हो, आपका यू नो क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसा है, डायग्नोसिस कैसा है, क्लिनिक्स में कैसे हो, उसके लिए आपका नेक्स्ट 2 का एग्जाम होगा। तो अब आप सोच के बताओ और मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लग रहा है, इज दिस एग्जाम गोइंग टू गेट इजी और इज दिस एग्जाम गोइंग टू गेट डिफिकल्ट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।